वो सो जाएगी। अगर वो जगती होती तो वो मुझे तेल नहीं डालने देती, पर अभी वो थोड़ी बहुत नींद में है तो मैंने उसका फायदा उठाया है ताकि मैं पूरे स्कैल्प में डाल सकूं। अभी वो कुछ नहीं बोलेगी, डाई डमरी बैठ रहेगी, बैठ रहेगी, डाई डाई बैठी रहेगी। ऐसा लगेगा कि ऐसा ही बच्चा होना चाहिए, पर असल में ये बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ही ज्यादा। उसे पता सब है कि क्या चल रहा है, पर ऐसे जान नहीं होने देंगी देगी मुझे। क्या ही कर सकते हैं अब। गर्मी भी बहुत है तो पूरे दिन भी तेल नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए रात को डाल के सुबह वॉश कर देंगे। अभी लंदन में हाईएस्ट गर्मी है, आज हम उकड़ रहे थे, 33 डिग्री थी, मतलब स्किन जल जाती है इधर की गर्मी से। अच्छा है कल बारिश होने वाली है तो थोड़ा आधार रहेगा वेदर में, बाकी तो त्रास हो जाता है। बोलो आधे घंटे में ही कपड़े सूख गए। ऐसे तेल मालिश होती है और ये सूर्य मारो दिख रो उसको कोई फर्क, वो बहुत थक चुकी है तो उसका मैं मसाज कर दूंगी। वैसे भी अपने मसाज करते हैं तो नींद बहुत आती है, कैसे रखो माथा अपना। अगर उसको ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा तो वो रोएगी, तो फिर मैं सुला दूंगी। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम रिया एंड वेलकम बैक टू रियाहुड। सो फिलहाल तेरा सो रही है बहुत, मतलब बहुत रोई और फिर अब जाके सोई है। फिया और पापा का इंतज़ार करते करते वो लोग आ रहे हैं, अभी कहीं पे शॉपिंग करने गए वो लोग। तो आज का वीडियो इज़ एवरीथिंग अबाउट इंडिया। अंकुश ने मेरे लिए बहुत सारे वीडियोस निकाले हैं इंडिया से, ये वो गांव गए, फिर मेरे घर गए, फिर हमारे नानी एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत टाइम गया था, तो वहाँ के गांव के भी वीडियोस इन्होंने लिए हैं, तो वो सारे वीडियोस मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो आप इंडिया की सैर कीजिए कि अंकुश ने क्या क्या किया, और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इट्स लाइक रेनिंग ओवर हियर एंड I'm just enjoying the rain. You guys can see. I'm fully wet. Yeah. I enjoyed my first rain in India. I was missing this in London. क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है एंड आई हैव अ गुड चांस कि स्पेशली वहाँ पानी में जाए। It's going to be quite dark over here. So I will just take you guys. यहाँ मंदिर है, सो बहुत ऑलमोस्ट हम लोग इतना चल के आए कई बार। ओके ये मोर है, दिखा दिखा पानी नो बताया यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये टाइगर और उनके लिए रखा है, टाइगर चित्ता, वो लोग यहाँ पे पानी पीने आते हैं।
इसमें आने का एक मेन रीजन ये था कि हम ऑलमोस्ट 6 जन थे, उसमें से हमने हमारा जो एक साथीदार था उसको वो गायब हो गया, वो गुम गया, तो उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग आ रहे हैं. एग्जैक्टली. ओ वी फाउंड हिम. अच्छा यही है मिल गया हमें. ये मामा का गांव है और यहाँ पे पिकॉक, फिर लायन टाइगर, जैसा अंकुश ने बोला चीता, नॉट लायन बट टाइगर चीता बहुत होते हैं. सो बेसिकली ये जो हमारे एक साथीदार थे इनका ऑलमोस्ट पूरा बचपन यहाँ पे गुजरा है. सो आज हमें वो थोड़ा बताएंगे कि इसका क्या है महत्व, कुछ इसका पास्ट रहा है या कैसे. तुम बता रहे थे कि ऊपर कोई राजा का महल था. तू गुजराती पर चालू रहा बांधो नहीं सो थोड़ा शुद्ध. सो इट्स लाइक हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग, लेकिन प्रोफेशनल ट्रैकिंग नहीं है, बट या इट्स डेफिनेटली अ काइंड ऑफ ट्रैकिंग बिकॉज यू कैन सी द रोड्स, लाइक प्रॉपर रोड्स बनाए गए हुए फॉर अ ट्रैक एंड इट गोज अप टिल ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 kilometers. सो वी आर प्लानिंग टू गो देयर. लेट्स सी हाउ इट गोज. आर यू गाइज एंजॉइंग? यस. सो हियर वी हैव केम टू माय मामाज विलेज, दैट्स मऊ, और हम यहाँ अभी जा रहे हैं यहाँ पे माउंटेन से आजू बाजू, और ऐसा कहा जाता है कि चित्ता, बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ आते रहते हैं. सो मेरे साथ है पूरी पलटन है. आई विल शो यू, इंट्रोड्यूस यू ऑल ऑफ यू देयर. ये मेरे जीजाजी है सागर कुमार. हाय. ये प्रज्ञेश जीजाजी, ये इनको तो जानते ही होंगे, मेरे पापा. हाय. ये मेरा भाई है मिक्की. सो वी आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड टू सी कि आगे हमें क्या मिलता है. आई विल जस्ट शो यू गाइज हाउ डज इट लुक एग्जैक्टली. लाइक जहां तक आपकी नजर जाएगी इट्स टोटली ग्रीनरी. अब ये जीजी के वहां बेबी शावर का फंक्शन शुरू हो रहा है, तो वो एंजॉय कीजिए. और ये मेरे पापा कार चलाते हुए. सो फाइनली पापा अब कार लेके निकल चुके हैं मम्मी के साथ. सो अब वो कहीं पे भी जा सकते हैं.